स्वीडन की स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर बकरीद के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर सभी मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान समेत सभी मुस्लिम देशों ने इस्लाम के पवित्र पर्व के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर स्वीडन के अधिकारियों की कड़ी निंदा की है। इस्लामिक देश मोरक्को ने तो घटना का विरोध करते हुए अपने राजदूत को अनिश्चितकाल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया है। वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भेदभाव, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देश धार्मिक घृणा की वकालत करने वालों पर रोक लगाने के लिए बाध्य है। पश्चिमी देशों में बीते कुछ महीनों के दौरान बार बार हो रही ऐसी इस्लामोफोबिक घटनाएं उस कानूनी ढांचे पर गंभीर सवाल उठाती हैं जो इस तरह के नफरत भरे कृत्यों की अनुमति देता है। बयान में मंत्रालय ने कहा है कि हम इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नफरत को बढ़ावा देने और अंतर धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं देता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों की सरकारों से इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी नफरत की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए विश्वसनीय और ठोस उपाय करने का आग्रह भी किया है। स्वीडन पुलिस ने फरवरी में इराक के दूतावास के बाहर कुरान जलाने से रोका था। पुलिस का कहना था कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। एक एंटी नेटो समूह पर कुरान की प्रति को जलाने पर बैन लगाया गया था, लेकिन इस साल अप्रैल में कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि देश के संविधान के तहत प्रदर्शनकारियों के पास एकजुट होने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। अदालत ने एक कर इस प्रदर्शन को मंजूरी दी कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है और इसके बाद ही कुरान जलाए जाने की घटना सामने आई, जिसके बाद से पूरे इस्लामिक देश खौल गए हैं। वो स्वीडन पर बरस रहे हैं। स्वीडन में हुई इस घटना को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।